हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं अपना डेली रूटीन शेयर करने वाला हूँ। अभी उठा हूँ जस्ट, मैं 8 बज गई है तो उठते हैं अब। बताऊँगा मैं आपको कि मैं क्या क्या डाइट लेता हूँ और वर्कआउट भी करेंगे, देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। सो फर्स्ट थिंग आफ्टर वेकिंग अप इज आई विल बी टेकिंग व्हीट ग्रास, बट इसका जो टेस्ट है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं व्हीट ग्रास इससे लेता हूँ बिकॉज इट बूस्ट अवर इम्यूनिटी और इससे मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है और डाइजेशन आपकी स्मूथ होती है। क्या हो गया जय? चाचू आप वीडियो क्यों बनाते हो? मैं वैसे ही बनाता हूँ। आपकी बना दूँ वीडियो? हाँ। ये वीडियो बन रही है, आप इसमें बोलो फिर। अब उसके बाद मैं जय के साथ थोड़ी देर खेल रहा था और अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ। 12 बज गए अभी, अब थोड़ा सा प्रोटीन लेने के लिए हम खाएंगे ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर। अभी मैं कुछ ढूंढ रहा था अपने स्टोर में तो मुझे ये पपेट मिला। तो पार्थ है मेरे साथ, पार्थ ने बोला कि ऐसा पपेट तो मैं खुद बना सकता हूँ, तो नाउ वी आर ट्राइंग कि ऐसा पपेट हम खुद बनाएं। तो अब बना के देखते हैं कैसा बनेगा। तो अब ऐसा पपेट बनाने के लिए हमें चाहिए एक सॉक्स। पार्थ और क्या चाहिए सॉक्स के अलावा? हमें सॉक्स के अलावा कैंची, टेप, स्टेपलर, पेन, कोई भी गत्ता ले लो। सबसे पहले क्या करना है पार्थ हमें? पहले हमें इसको काटना है सॉक्स को, इसके आगे वाला हिस्सा यहाँ तक काटना है। अच्छा, आगे वाला हिस्सा जो है वहाँ से काटना है। सॉक्स का फ्रंट पोर्शन काटने के बाद हमें इस गत्ते को काट लेना है। आपको इतना सा गत्ता लेना है, फिर राउंड शेप लेना है। तो देखिए, अब हमने इसके ऊपर गत्ता चिपका लिया, अब हमें इसी के साइज का एक पेपर काटना है और इसको चिपकाना है। तो देखिए ऐसा तो बन ही गया, अब हमें छोटा सा पेपर लेकर उसके ऊपर आईज ड्रॉ करनी है। हमें जो सा मिला था वो तो ये है और जो सा हमने बनाया तो ये, देखो कैसा बना है। अगर आपको ऐसा बनाना है तो बना लीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो पपेट हमने बनाया था वो छोटे बच्चे खुद ना बनाए घर पे, जैसे पार्थ तो यूज़ करता रहता है सीज़र तो उसे पता है उसे कैसे यूज़ करना है, बट अगर कोई छोटा बच्चा है वो जिद करता है बनाने की तो आप उसके साथ खड़े होकर बना सकते हैं क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, आप अगर बनाए तो मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करें, क्योंकि लॉकडाउन इज़ ऑल अबाउट फन एक्टिविटीज जहाँ पे आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं घर पे रहते हुए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है घर पे रहते हुए ही किया और कुछ इसमें यूज़ नहीं की चीज़ें ज़्यादा, सिर्फ सॉक्स, पेपर, स्टेपलर और गम। लाइव इन द इवनिंग नाउ, अब चलते हैं वर्कआउट करने। मैं चेंज कर लेता हूँ फटाफट, देखते हैं छत पे कैसा मौसम है। छत पे हो पाएगा वर्कआउट, नहीं तो नीचे आके करेंगे।
अगर आपके घर पे साइकिल नहीं है तो जो वार्म अप सेट है वो आप जंपिंग जैक से भी कर सकते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जो भी और रूटीन है मेरा वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो है ना इसको जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।